भाई यार फिर से सो के लेट उठा और अभी टाइम हो रहा है 10:20। अरे यार ये दिन का कुछ करना पड़ेगा यार। चलो अभी फिर मैं जल्दी फ्रेश व्रेश होके नाश्ता करके जल्दी निकलूँ यार, फिर से मैं आज काउंटर लेट खोलूँगा। अब मैं दूध पी के जल्दी से मैं निकलता हूँ। मैंने अब मंगवाया था चॉकलेट फ्लेवर, वो बहुत टेस्टी है भाई, बहुत टेस्टी। भाई 12 बजे पहुंचा हूँ, वो भी इतनी लेट। सही में मुझे अपना नींद का कुछ करना पड़ेगा, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अब चलो कोई बात नहीं, काउंटर तो मैंने खोल दिया, बस 1 घंटा लेट खोला है। अच्छा फाइन नहीं लगा, फाइन लग जाता ना मेरी सैलरी से कटता वो भी। अब यार मैं सोच रहा हूँ ये वाला मोबाइल ले लूँ, 1+8, 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज है, और क्या 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 है इसमें, इसमें कम से कम स्नैपड्रैगन है वो भी 856 का शायद, उतना ही है। एक मिनट देख के बताता हूँ, हाँ कितना है, 865 स्नैपड्रैगन है। और अभी जो मेरे पास वीवो Z1 प्रो है ना, ये ना ये पूरा ख़त्म हो ही गया एक तरह से। इसको मैंने ख़रीदा था जुलाई 2019 में, जब मेरे पापा ने दिलाया था, जब मैं 10th में कंपार्टमेंट पास हुआ था। अब हुआ क्या कि यार इसकी बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है, और ये 64 GB का है और इसमें स्पेस अब है ही नहीं। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना, इसमें बार बार नोटिफिकेशन आती है वीडियो मत बनाओ, क्योंकि इसमें स्पेस है ही नहीं। इसलिए मैं दिक्कत हो जाती, मेरे को चीज़ एडिट मारनी पड़ती, कल मैंने दो दो ऐप उड़ा दी इसमें से। अब यार इस टी शर्ट को 4 दिन हो गए पहने हुए, और इसमें मैंने इतने परफ्यूम छटके, इतने परफ्यूम छटके हैं, इसमें फैंगनेस की अब बदबू आ रही है, क्योंकि अलग अलग परफ्यूम लगाया मैंने इसलिए। सच बताता हूँ यार मैं 3 दिन से नहाए नहीं, क्योंकि यार इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी, इसमें नहाने का मन हुआ ही नहीं। फिर मैंने अपने बाल ही धोता रहा बस। और अबे यार ये पैंट कितनी गंदी हो गई यार, मुझे पता भी नहीं चला, और मैं इसको पहन के घूम रहा हूँ, ये भी गंदी होगी यार। अरे अभी दोपहर की बज रहे 2:30, बस अभी एक कस्टमर आया था, परफ्यूम देखा और फ्रेगनेंस टेस्ट किया, चले गया। वैसे कोई भी कस्टमर आता है ना, वो पूछता है कि स्टार्टिंग प्राइस क्या है, स्टार्टिंग प्राइस यहाँ से स्टार्ट होती है, वो भी इम्बार का, ये वैसे इंडियन ब्रांड है वो। वैसे इसका छोटा वाला परफ्यूम हमारे पास मेंस में ये होगा 595 का, इम्बार गोवा। फिर उसके बाद आता है ये 1695 का, फिर इसके बाद आता है 2000 का इम्बार का। ये इंडियन ब्रांड है, ये 3 परफ्यूम बस, और बाकी तो स्किन टाइटन भी मेंस के ही है। हमारे पास मेंस के लिए गिफ्ट सेट भी है इम्बार का, इसमें होगा क्या, एक डीओ होगा, एक शॉवर जेल होगा, एक परफ्यूम होगा वो भी 100 ml का, और कम से कम पड़ेगा 2500 रुपये का तो पड़ जाएगा गिफ्ट सेट। अभी मैं बोल हो रहा था, इससे मैं गेम खेल रहा था, मैंने अभी तो एक गाड़ी अनलॉक तो कर ली, अब मैं दूसरी गाड़ी अनलॉक करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये कितने की है, $18,000। अच्छा मेरे पास अभी कितने हैं, $20,000। चलो इसको अनलॉक करते हैं। हाँ चलो हो गई, अब खेलते हैं आराम से। अरे यार लैपटॉप की तो बैटरी ख़त्म हो गई, इसको जल्दी से मैं चार्ज में लगाता हूँ। और मेरा अमेजोन का पार्सल आया हुआ है, उस मैंने अपने लिए हेड बैंड मंगवाया था, क्योंकि मेरे बाल बाल आँखों में आते, इसलिए मैंने अपने लिए हेड बैंड मंगवाया है। पहले इसको मेरे लैपटॉप को चार्ज में लगाऊँ। अभी चाबी मैं इसको लॉक लगा के रखता हूँ यार, क्योंकि इसके अंदर कैश है, कोई लेके ना चले जाए। ये भाई साहब मॉल के अंदर नहीं आए, मॉल के बाहर खड़े हैं, इसे मेरे को मॉल के बाहर जाना पड़ेगा। ये मैंने अपने लिए हैंड बैंड मंगवाया, वो भी बालों के लिए, अब इसको पहनते कैसे है, एक मिनट। अब सही लग रहा हूँ ना यार इससे, ये मैंने अपनी वीडियो के लिए मंगवाया यार, इसलिए क्योंकि यार बाल आँखों में बार बार आते रहते थे, और इसलिए मेरे को मंगवाना पड़ा। चलो छोड़ो, अभी फ़िलहाल इसको मैं रखूँ बैग में वापस, वैसे सही तो लग रहा है। 4:04 हो गए, मैं लंच कर लेता हूँ यार, मैं ले गया हूँ आलू के पराठे।
तीसरी बार मैं आलू के पराठे लेके आ रहा हूँ यार। मेरा मैं बोल ही नहीं हुआ इनको खा खा के, मुझे इतने पसंद है ना आलू के पराठे। इतना अच्छा खासा मैं लंच कर रहा था, अब कस्टमर आया उसको परफ्यूम दिखाने पड़े और टेस्ट करवाया। अब वो स्टिक लेके गई है इम्बार्क का, कैरी में एक राउंड मार के आती हूँ फिर मैं बताती हूँ, क्योंकि मैंने ये इसमें जो फ्रेगनेंस होती है वो 24 घंटे तक रहती है बॉडी में। वो एक मॉल का राउंड मारने गई है मैम, अब वही बताएगी मैम कि मॉल का एक राउंड मारने पर देखते उसमें स्टिक में फ्रेगनेंस होगी कि नहीं। अब इतना अच्छा मैं लंच करता फिर से हाथ धो के आने पड़ेंगे। ये क्या भाई सो रहा है क्या, ये लग तो ऐसे रहा है बंदा, खड़े खड़े सो गया, नींद नहीं पूरी की होगी बंदे ने। चलो भाई ओपनिंग तो हो गई है, और वो भी कितने बजे हुई है, 5:35 में ओपनिंग हुई है, कोई बात नहीं यार। ये रहा, ये कौन सा है, गोल्ड सिल्वर ऊद, ये रहा। मुझे लगा है ही नहीं, अच्छा मैंने देख लिया वरना। ये गोल्ड यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। पानी की बोतल भरने के लिए आया था यार, क्या करे मजबूरी है यार, नीचे आना पड़ता है वो भी दूसरे बेसमेंट में। यार मेरे जूते से बहुत गंदी बदबू आ रही है, बहुत गंदी। अब मैं क्या करूँ, सोच रहा हूँ फ्रेगनेंस मारूँ, कौन सा वाला मारूँ आज, सबसे महंगा कौन सा है, सबसे महंगा यही है, ये है कोको रमाना ब्लैक SS। यहाँ पे अपने पाँव में ही मार लेता हूँ, क्या करे भाई, ये जब से जूते भीगे हैं ना जब से बदबू आ रही है, दूसरे मैंने इसको धोए तो है नहीं, और यार धूप तो निकल नहीं रही थी, आज तो धूप निकली है और आज नहा भी लूँगा और जूते भी धो दूँगा, है ना। रिपोर्ट बना के तो मैंने भेज दिया, अब खाली 2000 रुपये की सेल हुई है, अब इसकी मैं प्रिंट मशीन में इसकी प्रिंट निकाल देता हूँ। चलो चलो भाई अब मैं घर निकलता हूँ यार, आज बस 2000 रुपये की सेल हुई है, क्या हो रहा है यार, कल और आज हो 4000 रुपये की सेल भी हो जाती ना चल जाता, वो भी 2000 कोई मायने नहीं रखता यार। Try to be a negative bull, yeah. We could be taking control, yeah.